टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और टाइटन। टाइटन में तो हम काफी, जब से बजट आया तब से ही इसमें काफी अप मूव हमें दिख चुका है ऑलरेडी। इन तीनों शेयरों पर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों क्या होंगे? तो यदि मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो ओवरऑल टाटा मोटर्स जो है दैट कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स बिकॉज अभी रिसेंटली वो 1050 1060 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था एंड वी आर सीइंग दैट दैट हैज बीन टेकन आउट एंड द स्टॉक इज वेरी स्ट्रांग. सो दिस इज अ आई वुड नॉट से अ बाय एट द करंट लेवल्स बिकॉज इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करना इज नॉट इजी बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मे बी वन कैन लुक एट बाइंग इन ट्रेंचेस नॉट एट वन गो. लुकिंग एट द अदर स्टॉक टाइटन, तो टाइटन इज इन फॉर कंसॉलिडेशन बिकॉज इसके यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखो तो कहीं ना कहीं ये कंसॉलिडेशन क्लियरली फिलहाल दिख रहा है. अपसाइड सीम्स टू बी कैप्ड अराउंड द 3600 लेवल्स और डाउन साइड इट हैज गॉट गुड सपोर्ट कमिंग अराउंड द 3200 लेवल्स. तो ये फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. और तीसरा स्टॉक आपने कौन सा पूछा था? सर एचडीएफसी बैंक। हाँ तो एचडीएफसी बैंक इज वन स्टॉक अगेन आई वुड से कि दिस इज नॉट रियली परफॉर्म्ड हैज नॉट रियली डिलीवर्ड कंप्लीटली इन अ रेंज ऑन द डाउन साइड. तो लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक है मतलब इसमें रेंज इज वेरी क्लियर. ऑन द अपसाइड इफ यू आस्क मी तो 1800 एंड 1400 दैट्स अ रेंज फॉर एचडीएफसी बैंक. लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो है वो अभी भी कुछ वैसा मतलब कोई ट्रिगर नहीं दिखा रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग प्ले. नीचे आता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखनी चाहिए. तो दिस इज मोर ऑफ अ रेंज प्ले.